महाराज का था कहां जा जितना मर्जी है ना, जितना मर्जी पृथ्वी वो करे लेकिन उनसे दूर रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो कभी भी आपको माया में ले जा सकते है ना। इसलिए हम साधु पुरुष को आदर करते हैं, इज्जत करते हैं, उनकी सेवा करते हैं। क्यों? क्योंकि वो आप जो भी सेवा करोगे वो सेवा भगवान की सेवा में चले। और संसारिक लोगों को जितना प्यार करोगे, जो भी लेना देना करोगे, वो कहाँ माया में सेवा में। तो बुद्धि तुम्हारी और माइक माया जगत में फंसा था, ठीक है ना। तो प्रभुपाद का विचार, जब तक नहीं जानेंगे तो गौड़ी मठ संबंध में कोई नॉलेज नहीं होगा। तो उन्हीं का ही देन है। तो उनके एक शिष्य है भक्ति सारंग, परम पूज्य भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज के लिए आगे बात की थी। महाराज से अनुरोध करता हूँ उनके बारे में थोड़ा सुनाएंगे। भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज ना, हरे कृष्णा। ओम ज्ञानी विराम ज्ञानांजन सलगया चक्षुरुन्मीलित जैन तस्मै श्री गुरव नमः। गुरव गौरचंद्राय राधिकाय स्तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौरभक्तवृंद। बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुदेव नितलीला प्रकृष्ण कृष्णपाद अष्टोत्तर सदश्री श्री श्रीमद भक्ति स्वरूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रकृष्ण कृष्णपाद अष्टोत्तर सदश्री श्री श्रीमद भक्ति गोदाल नजरला नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता। उपस्थित श्रील भक्ति गोदाल संत महाराज सभी को भी जता प्रणाम करता हूँ। आज बहुत बहुत ही अच्छा दिन है। प्रभुपाद के गण में अन्यतम श्रील भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज का आज आविर्भाव दिन है। जैसे श्रीमन चैतन्य महाप्रभु जब इसी जगत में आए हैं वो अकेले नहीं आए, इसलिए श्री भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीव दया करी सपार्षद सियो धाम सावतारी। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु जीवों को पर भी कृपा करके वो अकेले नहीं कदा अपना धाम और परिवारों को लेकर किसी जगत में आविर्भूत हो गए। उसी तरह श्रील प्रभुपाद जब इसी जगत में आए कहते प्रभुपाद गोलोक वृंदावन में श्रीमन महाप्रभु की सेवा में श्री राधा रानी की सेवा में ही नियुक्त थे। कहते प्रभुपाद कौन है? बोले श्री राधा रानी की नयन मणि मंदिर। इसका मतलब क्या है? बोले नयन मतलब ये आंख है, मणि उसका अंदर में जो पुतला है, मतलब राधा जी की आंखों की जो पुतला है। हैं हम लोग समर भजन गाते हैं ना, शुभ दृष्टि कर प्रभु जगते प्रति जागु का हृदय मोर सुमंगल रति। हम कीर्तन गाते हैं ना, हे राधा रानी ठाकुर जी हमारे ऊपर भी कृपा दृष्टि करो। कृपा कैसे करते हैं? दृष्टि से, आंखों से कृपा करती है, हैं। इसलिए कहते हैं प्रभुपाद क्या है? बोले राधा रानी की कृपा दृष्टि है। बोले राधा रानी कौन है? बोले करुणा कुरुमयी करुणा भरी।
राधा रानी करुणा के मूर्तिमान स्वरूप है। ये राधा रानी एकदम कृपा के मूर्तिमान स्वरूप है। इसलिए श्री प्रबोधानंद सरस्वती कहते हैं, कहते वैदग्ध सिंधु रसमूर्तिक सिंधु लावण्य सिंधु रसमूर्ति कृपायक सिंधु श्री राधिके स्फुरति में रसकेल सिंधु। राधा रानी कौन है? बोले ये वात्सल्य के सिंधु है, वात्सल्य के समुद्र है, ये कृपा के समुद्र है, ये प्रेम की समुद्र है, ये लावण सुंदर की समुद्रता श्रीमन राधा रानी है। इसलिए कहते राधा रानी ने इनको प्रभुपाद का आदेश दिए, बोले नयन मणि मंजरी जाओ देखो जगत में सब जीव कितने दुख कष्ट उठा रहे हैं, जाओ इनको ऊपर में कृपा करके आओ, इनको ऊपर में कृपा करो। तब श्री राधा रानी की जो नयन मणि मंजरी, इसलिए प्रभुपाद ने इस जगत में आविर्भूत हो गए और आविर्भूत होकर के श्रीमन महाप्रभु का जो भविष्यवाणी था, पृथ्वी ते आचिजात नगराधिग्राम सर्वत्र प्रचार है विवरणा, इसका मतलब है एक दिन ऐसे आएगा संपूर्ण पृथ्वी में महाप्रभु की कथा घर घर में गली गलियों में शहर शहर में महाप्रभु की कथा सर्वत्र जाएगा और सब लोग प्रसन्न होकर के बोल हरे कृष्ण भागवत कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे जोर से बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ये महाप्रभु का भविष्यवाणी है, महाप्रभु की भविष्यवाणी की थी। इसलिए श्रील भक्ति प्रज्ञान के सब गोस्वामी महाराज वो कहते हैं एक तराजू ले आओ, तराजू का एक तरफ में अभी तक जितने आचार्य आए हैं उन्होंने जगत को जो चीजें दिए हैं उनका जो कृपा है उन्हें तराजू का एक तरफ में कर दो, लेकिन प्रभुपाद जब जगत को जो चीज दिए हैं अगर तराजू के दूसरे तरफ में अगर रख दो तो प्रभुपाद का जो पल्ला है ना भारी पड़ता हुआ, मतलब इतने इन्होंने किया है, अगर ये महापुरुष नहीं आते हैं ना, आप जो थोड़ी सी हरिनाम कर रहे हैं, तिलक लगा रहे हो, गले में कंठी पहने हो और ये मंदिर में आकर के बैठ करके ठाकुर की कथा सुनते हो, ये कभी संभव नहीं था। हम जो थोड़ी बहुत कोशिश कर रहे हैं इसी महापुरुषों का ही कृपा है। इसलिए श्री कृष्णदास के व्यास गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में की बात कहते हैं, बोले पूरी श्री कीट है तो मुई से लघिष्ट जगाई माधाई है ते मुई से पापिष्ट मोर नाम लय जय ते तार पुण्य पाप भय मोर नाम सुने जय तार पुण्य भय एमन निर्घिन्न मर केवा कृपा करे एक प्रभुपाद बिना जगत संसार। इसका मतलब है कि हम जगाई माधाई से भी ज्यादा पापी है, विष्टा के जो कीड़े हैं उससे भी ज्यादा गया लिखा है, मेरे नाम को जो एक बार सुन ले उसका पाप होता है, हैं पर नाम लेने पर सारे पुण्य उसकी खत्म हो जाती है, इतने हम पापी हैं। लेकिन अगर ऐसे कोई एक नरक के कीड़े के ऊपर कोई कृपा करने वाले हो कौन है? बोले एक श्रीला प्रभुपाद है, एक प्रभुपाद है, एक प्रभुपाद। इसलिए हम कहते हैं ना मुनिन्द्र बिंद बंदिते त्रिलोक शोकहारिणी प्रसन्न वक्र पंकज निकुंज कोविलासिनी ब्रजेन्द्र भानुनंदिनी ब्रजेन्द्र सोनु संगते कदा करी ससीह मां कृपा कटाक्ष भाजनम। इसलिए कहते राधा रानी की कृपा कटाक्ष, मतलब राधा जी की जो कृपा है उत्तरी लोक शोक हारिणी, तीन लोग का जो शोक को जो अगर कोई हरण करने वाले कौन है? बोले राधा रानी की कृपा है। कहते राधा रानी की जो कृपा शक्ति ही महाप्रभु का करुणा शक्ति ही कौन है? श्रील भक्ति सिद्धांत श्री सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद। बोले श्रील प्रभुपाद की जोर से जयकारा, सब सो रहे हैं। बोले श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की जय। कहती है प्रभुपाद ही ऐसे व्यक्ति हुए जो हमारे ऊपर में कृपा
कृपा दी है। इसलिए राधा रानी कहती हैं, हे नयन मणि मंजिल जाओ, ये पृथ्वी लोक पर जाओ, लेकिन अकेले मत जाना, तुम अपना सहचर्य को, तुम अपना परिक्रमा को लेकर के जाओ, हैं, जाकर क्या करो, जगत में हरि भक्ति को प्रचार करो। इसलिए जब प्रभुपाद आए वो भी अपना परिक्रम को लेकर के आए, महाप्रभु अपना परिक्रम को लेकर के आए, और आगे क्या क्या प्रभुपाद ने, महाप्रभु ने एक एक व्यक्ति के द्वारा उन्होंने एक एक चीज को स्थापन किया, जैसे श्री जीव गोस्वामी के द्वारा उन्होंने सिद्धांत को स्थापन करते, रूप गोस्वामी को द्वारा उन्होंने रस को स्थापन करते हैं, सनातन गोस्वामी को द्वारा संबंध ज्ञान को प्रदान करते हैं, कहते श्री रघुनाथ दास गोस्वामी को द्वारा कहते जगत में रस को हैं, हमारा जीवन का जो लक्ष्य है कहते वो लक्ष्य को स्थापन करते हैं। इसलिए महापुरुष श्री हरिदास ठाकुर के द्वारा उन्होंने नाम तत्व को जगत में स्थापन करते हैं, राय रामानंद के द्वारा बोले कंदर पर दर्पना से, उन्होंने एक एक के द्वारा महाप्रभु ने एक एक इच्छाओं को उन्होंने पूरी की है, हैं? कहते उसी तरह से प्रभुपाद भी जब इसी जगत में आए, प्रभुपाद वो भी अपना एक एक भक्तों के द्वारा उन्होंने एक एक चीज को उन्होंने स्थापन किया है, हैं? इसलिए प्रभुपाद के जो भक्त लोग थे, जैसे मेरे गुरुदेव है श्रील भक्त स्वरूप सिद्धार्थ गोस्वामी महाराज, इनके द्वारा उन्होंने क्या करवाए, बोले उन्होंने सिद्धांत को स्थापन किया, इसलिए इनका नाम है भक्ति श्री रूप सिद्धांति। इसलिए मेरे गुरुदेव ने सारे सिद्धांत ग्रंथों को, भगवत गीता, वेदांत सूत्र, उपनिषद, उद्धव संदेश हैं, और उन्होंने गीति कुछ बहुत बहुत सारे सिद्धांत ग्रंथों को मेरे गुरुदेव ने स्थापन किया है, हैं? और श्रील भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज कहते इनका नाम ही इनका नाम आज जिनका जन्म तिथि है भक्ति सारद गोस्वामी महाराज, इनका नाम रखा आचार्य केसरी, आचार्य केसरी इनका नाम रखा, मतलब है केसरी मतलब होता है सिंह, सिंह जैसे हाथी हो पर भी जब दहाड़ मारता है हाथी भाग जाती है, उसी तरह इन्होंने भी अगर कोई अपसिद्धांत अगर थोड़ी सी कोई बोल दी ये शेर जैसे भड़क जाते हैं और उसको ऊपर में आक्रमण करते थे, हैं? इसलिए और उनको जो भक्ति दे तसल माधव गोस्वामी महाराज एक हुए हैं, कहते प्रभुपाद आश्रित है, कहते इन्होंने बहुत सारी जगह पर मठ को उन्होंने स्थापन किया है, बहुत सारी जगह पर मठों को उन्होंने स्थापन करते हैं प्रभुपाद जी। इसलिए उन्होंने इन्होंने एक एक भक्तों के द्वारा उन्होंने एक एक चीज को उन्होंने स्थापन किया, लेकिन आज जिस महापुरुष का जन्म तिथि है तब इन्होंने क्या किया है, कहते पहले गौड़ीय मठ में बहुत सीधा साधा रूप में रहते थे, क्योंकि किसी तरह से भिक्षा महाप्रभु का धर्म है, भिक्षा मांग करके अपना जीवन को निर्वाह करना, महाप्रभु भक्त जो तो वैराग्य प्रधान, जहाँ देखे तुष्ट गौर नारायण, महाप्रभु का जितने भक्त है वैराग्य बड़ी सीधा साधा रहने वाले, बड़े सीधा साधा खाओ और बड़े सीधा साधा पहनो और दिन रात महाप्रभु की भजन करो, भगवान की भक्ति करो, ये महाप्रभु का शिक्षा है, महाप्रभु की शिक्षा। इसलिए इन्होंने बड़े दीनहीन रूप में उन्होंने अपना जीवन को उन्होंने बड़े दीनहीन रूप में प्रभुपाद ने बिताया। इसलिए प्रभुपाद ने दिन में तीन तीन लाख हरिनाम करते थे, अगर हम सोलमाला करते हैं ना, देखना दिन भर खत्म हो जाएगी, सोलमाला भर पूरी नहीं होता, वो कितने माला करते थे, 1 लाख कितना, 4 बार सोलमाला 64 माला, अगर 3 लाख करे तो कितना होता है, हिसाब करो, उन्होंने दिन में उन्होंने 3-3 लाख हरिनाम करते थे, 3-3 लाख हरिनाम, 7 करोड़ नाम जप किया प्रभुपाद ने, बड़े सीधा साधा रूप में रहते हुए भजन किया है। चातुर्मास जब आता है ना, दिन में 1 बार खाते थे, और कैसे, अभिसार में, मतलब एक साथ में दाल चावल सब्जी एक साथ में डाल दिया, उबाल दिया, थोड़ी सी घी दे दिया, और जो प्लेट में जैसे सीमेंट को पोछा लगा दिया उसको पर डाल दिया, और जैसे गैया खाते ना गोग्रास, दोनों हाथ वैसे पीछे कर दिए, पीछे करके जैसे जैसे गैया जैसे खाती है ना, ऐसे ही वो भोजन करते हैं। इसलिए महाप्रभु भक्त से वैराग्य है, किसी तरह से अपना जीवन निर्वाह करते हुए महाप्रभु की ये भक्ति करते थे।
इसलिए पहले गौड़ीय मठ एकदम सीधा था, इतने मठ मंदिर, इतने ठाड़ बाड़, इतने कुछ नहीं था। लेकिन जो भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज जब आए, इन्होंने प्रभुपाद इनको द्वारा ये गौड़ीय मठ का जो वैभव है बढ़ाया। इतने अच्छे भिक्षा करना जानते थे, हाँ, इतने अच्छे भिक्षा करना, जो कभी कुछ भिक्षा नहीं देगा उससे भी कुछ भिक्षा लेकर के आए। इसलिए वो जाते थे भिक्षा करने के लिए, बोले देखो तुम केवल नमक का पैसा, केवल नमक का पैसा दो, ज्यादा पैसा। अब देखना आप कोई सब्जी बनाओ, उसमें तेल सब्जी सब कुछ, लेकिन सबसे कम पैसा का चीज क्या लगता है? नमक। कहते आप केवल नमक का ही पैसा दो। बोले कितने लोग हैं? बोले 10,000 लोग। 10,000 लोग हैं प्रसाद में, उसका केवल नमक का पैसा दो, बस काम बन गया। किसको बोलते थे सबसे कम पैसा? जो हरिपति है ना, साग का पैसा दे दो। उन्होंने ऐसे 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 उन्होंने करके भिक्षा दिया। और कभी कभी वो चले जाते थे बड़े बड़े राजा के घर में चले जाते थे। और आप लोग इमली तला गए हो वृंदावन, इमली तला गए ना, उसी मठ का ही जो इमली तला को जो प्रकाश किया यही महापुरुष, वहीं पर श्रीमती राधा रानी कृष्ण, राधा रानी की चिंता करते 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 बोले राधा चिंता निवेशन जस कांति दुलरन, वहीं पर राधा रानी की चिंता करते 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 कृष्ण पूरा अपना रंग को भूल करके राधा जी की रंग को धारण किए। वो स्थान पहले सुअर घुमा करता था, हाँ, और एकदम गंदा पड़ा हुआ था, लेकिन यही महापुरुष ने वो स्थान को उन्होंने प्रकाशित किया, अच्छे तरह से उन्होंने बनाया। अब अभी इमली तलाब में जाओ, बड़े सुंदर भव्य मंदिर है, हाँ, बड़े सुंदर ठाकुर जी, बड़े सुंदर नाट मंदिर बनाए, बड़े सुंदर गेस्ट हाउस वहाँ पर बनाए, हैं, बड़े सुंदर गेस्ट हाउस वहाँ पर बनाए। इसी महापुरुष ने ही वो स्थान को प्रकाशित किया है, हैं, प्रकाशित किया है। इसलिए ये भी कभी उन्होंने विदेश में इनको कभी भेजा गया था, इनको विदेश में भी उन्होंने कोई प्रचार करने के लिए विदेश में गए। जब विदेश में गए, जब उन्होंने विदेश में प्रचार कर रहे थे, प्रचार करते करते भगवान की कथा सुना रहे थे, भगवान कृष्ण की, नारायण और भगवान राम की कथा सुना रहे थे। एक दिन उन्होंने भगवान की जब कथा सुना रहे थे, तब विदेश में किसने कहा यहाँ पर भगवान थे कि नहीं थे, इसका कोई प्रमाण क्या है? किसने पूछा प्रमाण क्या भगवान यहाँ हमारे देश में क्या भगवान थे कभी? अगर आप हमारा देश में अगर कहीं भगवान को आप प्रकट कर दो, अरे हम समझेंगे भैया तुम्हारे कृष्ण है राम है और यहाँ पर कोई भगवान रहते हैं। तो उनको 3 दिन साथ समय दिया, यहाँ पर हमारे कहीं प्रकट करके दिखा दो भगवान हमारे यहाँ विदेश में, शायद अमेरिका में। तो वो बड़ी चिंता में पड़ गए। जब चिंता में पड़ गए, ठाकुर प्रभुपाद भी याद कर रहे थे, ठाकुर जी को स्मरण कर रहे थे, ठाकुर जी आप क्या संपूर्ण एक दिन विदेश संपूर्ण एक ही था, बाद में सब विभाजन होकर के ऑस्ट्रेलिया अमेरिका सब अलग हो गया, लेकिन पहले पृथ्वी एक ही था। बोले ठाकुर क्या आप पृथ्वी का मालिक आप नहीं हो? इसलिए फिर आपको ये कह रहे हैं यहाँ पर कहीं ठाकुर जी को दर्शन कराओ। कहाँ ठाकुर जी? यहाँ पर है। तो रात को 3 दिन में उनको रात को स्वप्न आया, बोले ये अमुक पार्क में जाना, जा करके अमुक स्थान को अगर खोदोगे, मिट्टी खोदोगे, मैं वहीं पर हूँ। ठाकुर जी को स्वप्न आया, तो उन्होंने वहाँ के लोगों को बुलाया, बोले ये ऐसे पार्क का नाम, यहाँ पर कोई पार्क है? बोले हाँ। बोले वहां पर कोई वृक्ष है? बोला हाँ। बोले इसका नीचे मिट्टी खोदो। जो उन्होंने मिट्टी नीचे से खोदे, बड़े सुंदर, हाँ, ठाकुर जी वहां से नारायण विग्रह और मिट्टी को नीचे से, ठाकुर विदेश से निकले है। उनको विदेश व्यक्तियों को विश्वास हो गया, हमारा देश में भी ठाकुर जी पहले थे, हमारा देश में भी ठाकुर जी पहले पूजा होता था हमारा देश में ठाकुर जी को। इसलिए इनको स्वप्न दे करके ठाकुर जी मिट्टी को नीचे, जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु पुरी में जैसे उन्होंने रेती को खोलते 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 श्री गोपीनाथ ठाकुर जी को जैसे निकाले, ये महापुरुष ही हाँ वहाँ से ठाकुर जी के स्वप्न आदिश्य दे करके ठाकुर जी को वहाँ से निकाले। बोले श्री भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज की जय। कहते ये महाराज एक समय इनको भिक्षा करने के लिए भेजे थे प्रभुपाद। तो उन्होंने एक बहुत बड़ा बिल्डिंग था, उसमें 1,000 लोग काम करते थे,
एक दिन उन्होंने वहीं पर भिक्षा लेने के लिए छोटे मोटे व्यक्ति को नहीं पकड़ते थे, माली को पकड़ते थे। एकदम उनको माली को पास में पहुंच गए, वहाँ 8-10 फोन लगा हुआ, विदेश मिशन काम है विदेश से, इसलिए बहुत सारे लोग काम करते हैं। वहाँ पर गए, बोले मेरे को थोड़ी सी समय दो, आपको मैं थोड़ा भगवान की कथा सुनाना चाहता हूँ। बोले मेरे पास में कोई समय नहीं तुम्हारे साथ में कथा करने के लिए, मैं बहुत बड़ा बिजनेस में आना, देखो कितना फोन लगा हुआ, यहाँ से वहाँ से फोन आ रहा है, अब कुछ पैसा ले। तो वो बोले अगर आपको अपना समय नहीं दे सकते हो, आप आपका पैसा से हमारा कोई मतलब नहीं, जब हमारी कथा आप नहीं सुन सकते हो, आपसे हम पैसा नहीं लेंगे। उनने पैसा दिया, वहाँ से चल पड़े। जब चल पड़े, इतने में एक दो साल के बाद में फिर से उधर से गुजर रहे थे। जब गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा, और एक बार चांस लेकर देखता हूँ उन्होंने कुछ समय देते कि नहीं कथा सुनने के लिए। वहाँ जो आए ना, वो जो बहुत बड़ा बिल्डिंग था और पूरा खाली, कोई लोग नहीं। बोले ये क्या, एक दो साल पहले आया था यहाँ, बोले बड़े टहल चल हजार हजार लोग काम करते थे, अरे ये लोग साल सब काम गए। बड़ा आश्चर्य लगा जो वो बिल्डिंग से उतर चले जा रहे थे, सामने एक छोटी सी पार्क जैसे था, देखा एक व्यक्ति फुटपाथ में बैठी करके कुछ कपड़े को लेकर के बेच रहा है। नरसिंह महाराज की जय। वो फुटपाथ में बैठी करके कुछ उन्होंने कुछ कपड़े बेच रहे थे। जब उन्होंने ये चीज को देखा, जब जब उतर रहे थे, तब उन्होंने पूछा वो व्यक्ति को, भैया मेरे को दो साल पहले आया था, एक बहुत बड़ा धनी व्यक्ति यहाँ पर था, बड़े टहल चल मचा हुआ था, लेकिन ये बिल्डिंग पूरा खाली, वो सब लोग गए कहाँ से सब। जब उन्होंने ये बात बोले, वो मालिक कहाँ गया, तो उसने कहा मैं वही मालिक हूँ। बोले ये सब क्या हुआ है, बोले मेरे लाल बत जल सारे बिजनेस फेल हो गया, आप उसी समय आए थे ना कुछ मेरे से बोलने के लिए अपने। हाँ, बोले उसी समय तो मेरे पास में समय नहीं था सुनने के लिए, अभी मेरे पास में बहुत समय है, आप बैठा आसन देख कर बैठा है, बोले बताओ क्या बताना चाह रहे हैं। फिर उन्होंने भक्ति विनोद ठाकुर का एक कीर्तन को उन्होंने सुनाया, वो कीर्तन है दुर्लभ मानव जन्म लिया संसार कृष्ण नाथ जी नो दुख कार। तब उन्होंने कीर्तन को व्याख्या किया, मतलब है दुर्लभ मानव जन्म लगिया संसार, कि जो मानव शरीर है सहज में जीव को नहीं मिलता है, जिसको भगवान राम कहते हैं बड़े भाग मान सतन पावा सुर दुर्लभ शब्द ग्रंथ न गावा। ये शरीर देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, साधन धाम मोक्ष करे द्वारा पाए न जही पर लोक। केवल इसी जीवन में ही जीव साधन भजन करके भगवान तक पहुंच जा सकता है, और किसी जीवन में कभी भक्ति कर ही नहीं सकते हैं, इसलिए ये मानव शरीर का बड़ा दुर्लभ है। और विशेष करके हम जिस चीज में लगे हुए हैं, बस केवल चार चीज में लगे हुए हैं, खाओ पियो बच्चों को जन्म दो और मर जाओ। हाँ, जैसे जानवर जैसे खाना पीना सोना बच्चे जन्म देकर मर जाते हैं, हम भी ऐसे जीवन पाकर हम भी ये जीवन को इसे नष्ट कर देते हैं, लेकिन जीवन का सार्थकता भजन। धन्यवाद महाराज जी, अब कहाँ से आ रहे हैं महाराज जी, गोवर्धन से आ रहे हैं, रुके ठीक ठीक। इसलिए उन्होंने उनको ये बात उन्होंने समझाया है, उनको ये बात समझा करके फिर तो उन्होंने उनको ले करके फिर आए प्रभुपाद के पास, प्रभुपाद के पास में आए, फिर प्रभुपाद से उन्होंने उनको हरिनाम दिलाया और संपूर्ण प्रभु का भजन में लगा था। देखो शास्त्र जो कहते हैं ना, तुले आम लग ना पीना स्वर्ग ना अपनर्भम, अगर जीवन में एक लव अगर साधु संभव हो जाए, एक लव कितना समय है, एक सेकंड और 11 भाग करो, 11 भाग का एक भाग पे एक लव कहते हैं, अगर इतना समय अगर जीवन में साधु संग हो जाए, उसमें इतने फल मिलता है जिसको साथ में स्वर्ग मुख्य को भी बराबर नहीं कर सकते। महाराज आपको एक रोम दिए, आप इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। आज भक्ति सारा गोस्वामी महाराज की तिथि है, इसलिए थोड़ी सी इनकी कथा सुना। धन्यवाद। अरे
इसलिए इसलिए शास्त्र में बताया अगर जीवन में एक लव अगर साधु संग हो जाए, जिसको गोस्वामी जी कहते हैं एक घड़ी आधी घड़ी और आधी से पुण्य आज तुलसी सतसंगत में नासे कोटि अपराध। पर पास में बैठ जाए अब तक छो जाए इसलिए नासे कोटि अपराध। अगर जीवन में एक लव अगर साधु संग हो जाए तो जीव को धन्य कर देता है। और भगवान भागवत में एक अच्छी बात कहते हैं, बोले जस्य अहम अनुतीर्णा में हरि से तद धनोसने, मतलब है मैं जिसको पर मैं सही सही कृपा करना चाहता हूँ, ये संसार का जितने आसक्त को मैं खत्म कर देता हूँ। क्योंकि जब जब तक जीव संसार का आसक्त के लिए छोड़ता है ना, फिर मैं भजन नहीं कर सकता, भजन नहीं कर सकता है। देखो केवल उन्होंने 2 साल पहले बार आए, एक बार केवल उनसे मिले, बोले थोड़ी सी समय दो, उन्होंने समय नहीं दिया उनको, पर उनकी कृपा दृष्टि हो गई ना, उनकी कृपा दृष्टि हो गई। 2 साल बाद में देखा पूरा बिल्डिंग खाली, लाल बत्ती जल गई और उन्होंने खैर उनको सीधा प्रभुपाद का चरण लाए और भजन कर पाए हैं। इसलिए मैया कुंती कहती हैं जन्म ऐश्वर्य श्रुत से ही रेत मान मत मान। कुंती कहती है प्रभु 4 व्यक्ति तक भजन नहीं करेंगे, जिसके पास ज़्यादा पैसा हो जाए, ज़्यादा सुंदरता हो जाए, ज़्यादा ज्ञान हो जाए, हैं जिसके अंदर में ज़्यादा किसी अच्छे कुल में जन्म ले ले, बड़ा अभिमान हो जाता है, भक्ति नहीं करता है। अरे नम अकिंचन विताय, भगवान किसकी संपत्ति है जिसको अकिंचन है, जो दीन ही है। देखो ये महापुरुष की एक बार कृपा पड़ गई तो उनको पास रूपा कर ले आए, फिर उनको संपूर्ण जीवन उन्होंने प्रभुपाद के चरण में रहते हुए भजन किया। ये इनकी अद्भुत कथा है। दूसरी कथा सुन, जब प्रभुपाद हर साल वृंदावन परिक्रमा जाते थे, ब्रजमंडल, जैसे अभी हमारे गुरु जी ब्रजमंडल परिक्रमा करते हैं, हर साल प्रभुपाद जाते थे। इनको ऊपर में प्रभुपाद के इतने विश्वास थे, इनको ऊपर में इनको पूर्ण विश्वास इनको ऊपर में थी, किसी काम के लिए उनको भेज दो वो काम करके सक्सेसफुल होकर को आते हैं। तो इनको भेज दिया जाओ अभी हम 5 लोग आएंगे 1 महीना के लिए, हाँ वहाँ ब्रजमंडल परिक्रमा होगी, तू जा करके वहाँ व्यवस्था करो। अभी गुरुदेव का आदेश 5 लोग का है और 1 महीना की खाना व्यवस्था करके इनको पहले भेज दिए। जब पहले भेज दिए ये उसी समय में ये बहुत लिखे पड़े थे, हैं ये अच्छे लिखे पड़े थे, अच्छे उच्च शिक्षित थे और अच्छे ब्राह्मण घर से ये आए। अभी इन्होंने क्या किया, आप मथुरा में गए हो, मथुरा में होली गेट देखे कि नहीं, होली गेट उसका अंदर में जाओ, बड़े बड़े सब बिजनेस मैन, सब सोना, हाँ सोना चांदी का बिजनेस, बड़े बड़े सब चावल दावल सब्जी सब बिकता है वहाँ पर। उन्होंने होली गेट में गए और उन्होंने क्या किया, अपने कपड़ा को छोड़ दिए, साधु कपड़ा को छोड़ दिए और उन्हें बूट और सूट पहन करके टाई लगा करके, जैसे इनकम टैक्स का जो ऑफिसर है इनका रूप उन्होंने धारण कर लिया। और बहुत लिखे पड़े थे ही, पहले लिखे पड़े थे, इनकम टैक्स का ऑफिसर का अपने रूप धारण कर लिया। धारण करते हुए और एक दुकान में गए, बोले पर काफी दो तुम्हारी कितनी इनकम है और तुम सरकार कितने टैक्स समझते हो इनकम को, इनको सब कुछ पहले बहुत लिखे पड़े थे। बोले तुमने इतने दिन से, बोले राधा विलंब बिहारी की जय, बोले श्री गुरुपाद पद्म की जय, गोस्वामी महाराज की पिता गौर ब्रह्मानंद। तब उन्होंने बोले तुमने कितना साल से इनकम टैक्स तुमने नहीं दिया है, तुम्हारे ऊपर इतने फाइन है, तुम्हारे ऊपर इतने फाइन, इतने पैसा देना पड़ेगा। और थे लंबे चौड़े देखने में एकदम ऑफिसर जैसे लग रहे थे, पगड़ी बांधे हुए तो ऑफिसर जैसे लग रहे थे। इतने में क्या हुआ, सारे दुकान में खबर चली गई इनकम टैक्स का बड़ा मालिक आया, बड़ा ऑफिसर आया और इनको ऊपर भी इतने फाइन किया है। जब किए ना इतने में, जितने सब दुकान में जितने बड़े बड़े बिजनेस मैन थे वो सब किसी भी इनको पास में आ गए और इनके चरण में गिर गए, बोले हमको माफ कर दो, हमें ज़्यादा कोई टैक्स मत लगाओ, थोड़ी बहुत टैक्स लगा करके हमें छोड़ दो, हमें माफ कर दो। जब उन्होंने सबके सब लोग इकट्ठे हो गए ना, फिर उन्होंने फिर बोले देखो मैं इनकम टैक्स का ऑफिसर नहीं हूँ, मैं एक साधु हूँ, मेरे गुरुदेव मेरे को, हाँ मेरे गुरुदेव बंगाल से मायापुर से ये वृंदावन धाम भेजिए, मेरे गुरुदेव को साथ में और मथुरा के लोग स्वभाव के रूप में भक्ति करने वाले अब ब्रजवासी सबके साथ, सभी के हृदय में भगवान कृष्ण का प्रति सभी की भावना है, भक्ति करने वाले मथुरावासी।
इसलिए मैं गुरुदेव बैठू यहाँ एक महीना परिक्रमा हुएगी, इसलिए गुरुदेव हमें यहाँ पर भेजा एक महीना के लिए कुछ खाना पीना की व्यवस्था करने के लिए। मैं इनकम टैक्स ऑफिसर में के साथ हूँ, गुरुदेव नगर में भेजे हैं, इसलिए आप सबके सामने कुछ बातें करो। बॉस उन्होंने जितने वहाँ बड़े बड़े दुकानदार थे ना, कोई बोले एक पीपा हमें खेल दूंगा, कोई बोले एक बोरा हम आटा दूंगा, किसी ने बोले एक बोरा में चावल दूंगा, किसी ने कहा हम इतने फल दे देंगे इतने में। उन्होंने एक घंटे के अंदर में ना एक महीना की उन्होंने जो परिक्रमा लगता है, एक महीना में जो परिक्रमा लगता है ना, एक घंटे में उन्होंने इकट्ठे कर दिया एक घंटे में। और प्रभुपाद के पास में टेलीग्राफ किए, आप कोई चिंता मत करो, भक्तों को लेकर के आओ, और मैंने एक महीना की सब कुछ हमने व्यवस्था कर। मतलब ये जो महापुरुष, ऐसे ये महापुरुष थे हैं। पहले गौरी बैठ पहले बताया ना, बड़े तीन दिन रूप में किसी तरह से रोज भिक्षा करके लिया। मथुरा में भी हमारे ऐसे थी, एक तो बहुत पहले भिक्षा करके लिया, रोज भिक्षा करके लिया चावल, और उसमें जो सजना होता है ना उसमें पत्ते को साथ में मिला कर जैसे खिचड़ी बनता है ऐसे बना, किसी तरह से गौरी मठ में प्रसाद लेकर के भजन। लेकिन ये जो महापुरुष एक समय उन्होंने गए, एक समय इन्होंने गए भिक्षा करने के लिए, उन्होंने एक ट्रक दाल चावल चीनी सब्जी घी उन्होंने एक ट्रक उन्होंने भिक्षा करके प्रभुपाद का नाम का एड्रेस देकर के मायापुर मठ में एक ट्रक भेज दी। और वो ट्रक वाला लेकर के आया ये डाल एक ट्रक सामान, और बोले ये मायापुर प्रभुपाद कौन है, गौरी मठ कौन है, बोले ये बोले ये इसकी एड्रेस पर एक ट्रक सामान आया है। वो तो कभी सोच नहीं सकते एक ट्रक कभी हमारे मंदिर में कोई भिक्षा करेगा, वो तो रोज भिक्षा करके किस तरह से जीविका की बात करने वाले। बोले होगा इसको आसपास में कोई व्यक्ति होगा, आप थोड़ा देख लो आसपास में कोई व्यक्ति होगा, हमारे तो मंदिर से ऐसे कोई व्यक्ति नहीं भेजने वाले। तो उन्होंने ट्रक वहीं खड़े कर दिए, सब आस पास में भेजे, भैया यहाँ पर गौरी मठ कौन, चैतन्य गौरी मठ कौन है, ये प्रभुपाद कौन है, आस पास में उन्होंने कुछ यही तो गौरी मठ है और यहीं पर तो प्रभुपाद रहते हैं। तब उन्होंने देखा कोई इसको उतारने के लिए तैयारी नहीं, क्योंकि ये कभी सोच भी नहीं सकते एक ट्रक सामान कभी किसने भिक्षा करके है। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने सारे ट्रक का जो सामान है ना गौरी मठ में कोई लेने के लिए तैयार नहीं, जो जबरदस्त वहीं पर उतार करके ट्रक लेके चला गया। कभी यही एड्रेस पर आया मैं ट्रक में लेकर कहाँ घूम उसी गौरी मठ में रखते चल गए। बाद में उन्होंने फिर उन्होंने प्रभुपाद पास में लेटर भेजे, मैंने एक ट्रक मैंने सामान भेजा था पहुँचा के नहीं, बाद में पता चला ओ जो भक्ति सारण गोस्वामी महाराज ने ये चीज़ भेजे हैं, ये महापुरुष ये चीज़ को भेजे। मतलब इन्होंने आकर के ना धीरे 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 उन्होंने ऐसे उन्होंने भिक्षा की, फिर धीरे धीरे गौरी मठ का जो ऐश्वर्य है इन्होंने धीरे धीरे यही महापुरुष ये ऐश्वर्य को उन्होंने प्रकाशित किया। और इन्होंने प्रभुपाद इनको जो विदेश में भेजा था प्रचार करने के लिए, अभी विदेश जाएंगे प्रचार करने के लिए, उनको वैसे ड्रेस चाहिए ना, अगर ऐसे दीप यूनिवर्स में जाओगे कोई कथा तो करेंगे सुनेंगे, इसलिए जो चल जाते थे एकदम कोट बोट सूट पहन करके बढ़िया टाई लगा करके जाते थे प्रचार करने के लिए। लेकिन जो प्रचार करके चले जब आते थे ना, फिर ये ड्रेस को सबको दे देते बांट दे तुम ले जाओ तुम ले जाओ, बोले ये ड्रेस तो केवल प्रभुपाद की सेवा के लिए मैंने केवल इसको पहन लिया था, हाँ प्रभुपाद की सेवा के लिए हमने इसको केवल हमने पहन लिया था। हाँ ये हमारे कुंज बिहारी को आप देखें ना, कुंज बिहारी देखें नहीं देखे ना, हमारे मथुरा मठ में कुंज बिहारी प्रभुपाद थे, मतलब ये हमारे भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज को बिल्डर के लोग थे, वो थोड़ा चक्रवर्ती चीज़ों को अच्छी लगती थी। ये भक्ति सारायण गोस्वामी महाराज पहले ये जब सब वृंदावन आते थे सबको पहले ये मथुरा में उतरना पड़ता था पहले, अभी गौरी मठ में इतना नहीं था वृंदावन में है, इसलिए सबको सब पहले मथुरा में उतर करके सबके सब जाना पड़ता था वृंदावन में। अभी उन्होंने मथुरा में सब उतर करके हमारे जो गौरी मठ वहाँ पर केशव जी गौरी मठ में सारे प्रभुपाद का शिष्य वहीं पर आते थे, यहीं पर रुक करके फिर जाते थे। अभी जब आए मंदिर में देखे उन्होंने बहुत एक अच्छी चीज़ सिखा देते थे, जो कुंज न्याय प्रभु थे वो मिलता नहीं थे उनको, तब चट उत्तर प्रदेश में लोग ना चटपट चटपट चीजें भी अच्छी लगती थी, था मिर्च मसाला तेज है मिर्च मसाला तेज मिर्च, उनको चटपट चीजें अच्छी लगती थी।
तब ये दोनों जब प्रसाद पाने के लिए बैठते थे तब हमारे गौरी मठ में तो बहुत सीधा का सब्जी बनती है, अब तो यहाँ खाते होंगे बड़े सीधी सादी सब्जी है, जब इनको देते थे हाँ ये जो हमारे जो महाराज थे सारंग गोस्वामी महाराज, सारंग गोस्वामी महाराज आप देखना जब हम प्रसाद पाते हैं ना पहले ये मंत्र कर बोलते हैं महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्रह्म वैष्णवे स्वल्प पुण्यम बतांद्राधन विश्वास न हो जाते, इसका मतलब है ये जो चार जो चीज है जिसका कम पुण्यवान व्यक्ति उनमें विश्वास नहीं होता है, जैसे महाप्रसाद कौन है, भगवान का प्रसाद और भगवान एक ही वस्तु है, जो गोविंद भगवान है जो भगवान का नाम है, है? ये जो वैष्णव की एक ही चीज है ये अप्राकृत वस्तु है, इसलिए कहते साधु सावधान, मतलब खाने से पहले सबको सावधान कर देते हैं ये दाल चावल रोटी नहीं खा रहे हो, भगवान की प्रसाद सेवा कर रहे हो, इसलिए हम ये नहीं कहते खाना खा रहे हैं दुनिया लोग खाना खा रहे हम ऐसे नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं प्रसाद सेवा कर रहे हैं, क्योंकि प्रसाद साक्षात भगवत स्वरूप है, सेवा मतलब ये है भगवान ने ये अधरा मिलता है राधा जी के अधरा मिलता सही सखियों के अधरा मिलते हम सेवा कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं हम लोग, इसलिए वो महाराज जब प्रसाद पाते थे ना कोई बात नहीं करते थे और प्रसाद को साक्षात भगवत बुद्धिमान करके सेवा करते थे प्रसाद समय, लेकिन हमारे जो कुंज भी आए वो भी पास में बैठते थे बोले इसमें तेल कम दिया, इसमें नमक कम है, इसमें बीज कम दे दिया, एक दिन ये महाराज तो बिगड़ गए बोले तुम होटल में बैठ करके खा रहे खाना खा रहे हैं ना भगवान प्रसाद पा रहे हैं ना होटल में खाना खा रहे, देखो अब देखना हमारे मंदिर में जब प्रसाद बनता है ना नियम है जब तक ठाकुर को भोग नहीं लगता है कुछ तो खाना नहीं चाहिए, लेकिन हमारे मंदिर में एक नियम है खाने से पहले थोड़ी सी ले करके जीभ में लगा देते हैं, अगर थोड़ी सी अगर उसमें नमक कम है नमक डाल दो, अगर मिर्च कम मिर्च डाल दो, बोले कब तक, बोले जब तक ठाकुर जी को भोग नहीं लगता है, ठाकुर जी को भोग नहीं लगता है, इसलिए थोड़ी थोड़ी उसको टेस्ट कर लेते हैं, टेस्ट करके क्या करते हैं उसको बाद में क्यों भगवान खाने से पहले खाना नहीं चाहिए तुम खा रहे क्यों, बोले अपना लिए नहीं हम भगवान को भोग लगाएंगे ठाकुर जी को भोग लगेगा, अगर उसमें नमक नमक कम होगा मिर्च कम मसाला कम ठाकुर जी कैसे खाएंगे, इसलिए ठाकुर जी की सेवा की बुद्धि से करते हैं ठाकुर जी को बुरा नहीं लगे, इसलिए खाना नहीं केवल जीभ में लगा करके देख लेते हैं, लेकिन जब भोग लग जाता है तो कहते हैं देखो भोग नहीं लगने से पहले तुम जो कुछ बोल सकते हो बोलो, लेकिन ठाकुर जी को जब ये चीज भोग लग जाती है उसको बाद में फिर कुछ नहीं बोलनी चाहिए, इसमें नमक नहीं मिर्च नहीं मसाला नहीं, क्यों वो भगवान को भोग लग गया, ठाकुर जी जब जो चीज को ठाकुर जी ग्रहण कर लिए फिर तुम ये नमक मिर्च मसाला पर क्यों करे, क्या तुम होटल में खा रहे हो ना भगवान का प्रसाद तुम पा रहे हो, वो मना करते थे, इसलिए खबरदार ऐसे कभी नहीं बोलनी चाहिए, उनको क्या करते थे प्लेट दे दिया ना पहले प्लेट में जो कुछ दे दिया दे दिया, लेकिन जब कोई चीज बाद में देते हो फिर वो चीज नहीं खाते, मतलब जब प्रसाद पाते समय इतने आविष्टता होकर के ये भगवान के प्रसाद राधा रानी सखियों का प्रसाद है, मतलब इतने प्रसाद ऊपर में भगवत बुद्धि साक्षात भगवत बुद्धि करके ये प्रसाद सेवा करते थे, इसलिए आज जो इमली कला है उन्होंने इमली कला को यही महापुरुष ने प्रकाश किया है, क्योंकि प्रभुपाद एक समय जब वृंदावन में आए थे प्रभुपाद ने उसी समय वो स्थान बहुत गंदे पड़ा हुआ होता था सुअर पुअर घुमा करते थे, प्रभुपाद एक दिन इच्छा प्रकाश की थी ये स्थान देखो कहाँ उल्टा पुल्टा सहजिया हाँ बाबा जी सहजिया को चक्कर में पड़ा हुआ हाँ ये लोग पूजा कर रहे ये स्थान क्या कभी प्रकाश नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारी संप्रदाय में ये जो इमली कला है ना ये बहुत बड़ी महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि यहाँ पर श्री कृष्ण राधा रानी की चिंता करते 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 कृष्ण जो काले हैं वो गौर वर्ण हो गए थे गोरे बन गए थे, और उसी समय में ही श्री कृष्ण को राधा जी के प्रेम की महिमा उनको पता चला, इसलिए कलयुग में स्वयं राधा जी भाव अरे अंगकांति को लेकर के महापुरुष जगत में आते हैं, हमारे गौरी मठ का जो मूल उपास श्री सच्चिदानंद गौर हरि महाप्रभु, इसलिए प्रभुपाद ने केवल इच्छा प्रकाशित की थी ये स्थान क्या प्रकाशित नहीं हो सकता, पर ये महापुरुष ने
और वो स्थान को लेकर के अभी धीरे 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 तो बड़े सुंदर हैं, बहुत सुंदर उसका सौंदर्य है। इसलिए आज की जन्मतिथि है ना, ये आज की जन्मतिथि है। हम सबके साथ उनके चरण में प्रार्थना करते हैं, इन्होंने जैसे प्रभुपाद की सेवा की, वैष्णव लोगों का सेवा की है, हम भी कभी इनकी धारा में, हम कभी इनकी भी कभी ऐसे अगर हम सेवा कर पाएंगे तो हमारे जीवन धन्य हो जाएगा। महाराज जी आप थोड़ी सी कुछ बोलेंगे, महाराज हाँ तो दो मिनट बोलेंगे, भोपाल हाँ नहीं सुना ही सुना है आपको कथा सुना। ये बहुत एक अच्छी कथा, इन्होंने हमारे कैसे इनको हमारे जो परम गुरुदेव भक्त प्रगण केशव गोस्वामी कैसे इनको लाए मंदिर में, कैसे लाए इनको ही उन्होंने लाए। जैसे कल हम लोग के सब गौड़ी मठों के जो मूल प्रतिष्ठा का सिद्धांत सरस्वती ठाकुर थे उनका जन्मदिन था। इस समय में चैतन्य महाप्रभु जाने के बाद कोई गौड़ी मठ नहीं थे, सभी लोग अपने अपने महाप्रभु के और हमारे छह गोस्वामी के अनुसार अपने अपने भजन करते थे। ऐसे ही सब लोग अपने एकांत में भजन करते थे, ऐसे बैठ करके कहीं दूसरे दूसरे मंदिर होते हैं या मठ होते हैं, ऐसे मठ नहीं होते थे। चैतन्य महाप्रभु शिक्षा का प्रसार प्रसार कैसे हो, इसीलिए चैतन्य महाप्रभु के उपासक राधा रानी ने जो जिनके तो सिद्धांत सरस्वती ठाकुर थे उनको भेजा, तो उनके निकट में ही इस समय नया नया अभी मठ खुला है, चैतन्य महाप्रभु जन्म स्थान प्रकाश हुआ है, वहाँ कोई भी नहीं, सब जंगल पड़ा है, जंगल में से मठ धीरे धीरे हो रहे हैं, धीरे धीरे लोग आ रहे हैं। तो इस समय हमारे जो हमारे परम गुरु जी भक्त प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज वहाँ पर बैठ करके मठों के संचालन करते मैनेजर थे वहाँ, तो वहाँ लोग गए हैं नवदीप में जा चैतन्य मूल मठ है, चैतन्य महाप्रभु जन्म स्थान के बाद में मूल चैतन्य मठ है, सबसे पहले चैतन्य मठ की स्थापना की, उसी से सब गौड़ी मठ जितने निकले अभी तक बहुत सारे गौड़ी मठ हैं, तो मूल गौड़ी मठ भी है चैतन्य मठ है श्री चैतन्य, तो वहाँ पर हमारे परम गुरु जी बैठ करके कटल भाग कटहल का वृक्ष था उसके नीचे बैठ के और टेबल चेयर रहते थे, वो तो मैनेजर थे वहाँ से, तो कहते हैं वहाँ पर बैठ करके ऐसे चेयर में बैठते थे, टेबल के ऊपर रखते थे ऐसे बैठते, कोई है नहीं खाली, कुछ कभी कभी रिलैक्स मोड में टेबल के ऊपर पैर रख के ऐसे 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 हिलाते हैं ऐसे बैठ के कोई अपने चिंतन में वहाँ के नवदेव धाम राधा कृष्ण बैठे थे वहाँ पर, जो मैनेजर वो बड़े जमींदार घर के बैठे थे, तो इसीलिए उनको वहाँ पर 700-800 बीघा जमीन थी महाप्रभु के पास, तो धीरे धीरे मुसलमान ने कब्जा की, तो मियाँपुर बना था मायापुर, तो उसको धीरे धीरे उन्हें छुड़ा करके वो अपने कब्जे में ली थी, और प्रभुपाद की इच्छा भी थी कि उसका उद्धार होना चाहिए, तो वहाँ बैठ करके ऐसे मैनेजमेंट देखते थे। तो बड़े बड़े प्रभुपाद के दूसरे बड़े बड़े शिष्य थे, सन्यासी भी थे, अभी हमारे परम गुरु संन्यास ले लिए थे, सब कपड़े पहनते मैनेजमेंट देखते थे, बैठे बैठे वहाँ पर उनके पास दो दो घोड़े थे उस समय, क्योंकि इतने बड़े प्रॉपर्टी संभालने के लिए 1920-22 के बाद 24-25 से, तो उस समय में बड़े बड़े सन्यासी आकर उनको प्रणाम करते थे, वो देखते ही नहीं था कि, तो ये जब दो जो अभी जिनका आज जन्मदिन थे भक्ति सारंग गोस्वामी, उनका पहला नाम अतिन्द्रिय अतिन्द्रिय दास अधिकारी मैंने रस के थे, एक बड़े सरकारी नौकरी में थे, और एक थे और एक दो व्यक्ति आए, दो व्यक्ति आए थे, तो देख रहे हैं भाई ये और ठीक आए 12:30 दोपहर का समय था, थोड़े बढ़ने गया दोपहर 12:30 प्रसाद पाने की आरती होगी, प्रसाद पाने मैं सब थोड़े विश्राम में चले गए, सब सुखा साहब खा के थे, अब जिस समय वो दो आए अभी वहाँ से कोई आदमी है वहाँ पर मायापुर में गए, तो अभी थोड़ा सा डेवलप हुआ, पहले भी समय कितना 100 साल पहले कितना क्या हो सकता है, घोड़ी मंडी बनाने में थोड़ा थोड़ा आरंभ हो रहा है, थोड़ी सी देर में वो है उसको थोड़ा सा झोपड़ी बना करके अभी चालू चल रहा है, क्योंकि ये साल में है ना 1918 में ही घोड़ी मंडी स्थापना हुई, 100 साल थोड़े को नहीं जा रहा है, और प्रभुपाद के संन्यास को भी 100 साल हुए, प्रभुपाद ने संन्यास लिया था 1918 में, प्रभुपाद संन्यास लिया था इस समय, और उस समय घोड़ी मंडी स्थापना छोटी सी छोटे से रूप में चालू किया, जब कुटिया में वहाँ पर बंगाल झोपड़ी फिर झोपड़ी बना के झोपड़ी में ऐसे चालू करें धीरे धीरे फिर बनाते रहे, तो उस समय में ये जो दो सरकारी अधिकारी थे दोनों भी, तो दोनों आए तो देख रहे हैं बैठे,
चैतन्य महाप्रभु जन्म स्थान तो था ही, सब लोग बंगाल के लोग आते थे, चैतन्य महाप्रभु का तो नाम तो फैला था सब जगह, तो आते थे दर्शन करने के लिए। तो ये दो आए थे मठवासी विजयपुर परमुनि, वहाँ बैठे थे प्रज्ञान के शिष्य, उनका नाम विनोद बिहारी ब्रह्मचर्य, सब उनको विनोद दा विनोद विनोद दा कहते थे, विनोद दा। तो बैठे थे, देखा हम दो आए, तो आते ही मैंने कहा दर्शन करने, आगे तो उन्हें कहा खाना पीना कुछ है नहीं, कोई बात नहीं, वहाँ तो स्नान करने का कोई दो नहीं, तालाब को तो वहाँ बताइए, बोले ठीक है आप स्नान कीजिए। फिर आते मैंने फटाफट जाकर क्या किया, फटाफट जाकर के बंगाल में क्या बताया, कपड़े में दाल बांध दी, दाल बांध दी, चावल चावल कुकर में चावल डाल दिया, आलू भी डाल, आलू आलू भी डाल दिए उसमें, और कपड़े में दाल बांध दी, उसके अंदर पोटला डाल दिया, और एक छट्टी मार दी बस, फटाफट चावल भी हो गया, आलू सिद्ध हो गया, दाल बन गई, और आलू माखा बना करके आलू सिद्ध बना दिया, चावल बन गया, दाल बन गई। आदमी से पहले 10-15 मिनट में स्नान करके आते थे रेडी खाने, तो वो बड़े प्रसन्न हो गए, इतना फटाफट उनको पता नहीं क्या हुआ, इन्होंने फटाफट बना दिया, उनको खिला पिला दिया। हाँ ये तो बड़े सरकारी अफसर थे, बोले हम लोग आपको महीना में 5-5 रुपये दिए, 5 रुपये महीना उस समय, 5 रुपये वो सरकारी। उसमें दो व्यक्ति थे उसमें, रेलवे में काम करते, रेलवे में, ये रेलवे का जो बड़ा ऑफिसर था एक, और ये उनके अधीन में था ये छोटा ऑफिसर है, तो इन्होंने जो इतने इतने ये प्रसन्न हो गए, मतलब दोपहर में आए थे, भूख लग रहा था बड़ी तेज, और था उसमें बड़ी तेजी धूप, अगर आपको भूख लग रहा है, अगर उसी समय अगर आपको कुछ खाना मिल जाए कितने खुश हो जाओगे, चावल मिल गया, दाल मिल गई, आलू की चोखा मिल गई, ये बंगाल का सबसे बेस्ट खाना है, बंगाल का जैसे उनको ना अमृत जैसे मिल गया, हाँ इसलिए इतने प्रसन्न हो गए, इतने प्रसन्न हो गए। तो उन्होंने बोले ठीक है, जो पुलिस जो वहाँ पे रेलवे का ऑफिसर था उनके साथ में, बोला मैं 1 रुपया दूंगा महीना, उसमें 1 रुपया साधा में बाद में था, सब कितना साल पहले 1 रुपया, और इन्होंने बोले जो छोटे जो ऑफिसर थे उन्होंने बोले मैं 5 रुपया दूंगा हर महीना मिला दूंगा। उसी समय 5 रुपया की इतना कीमत था जो 1 महीना की पूरा खर्चा 5 रुपया हो जाता, 1 महीने का खर्चा। जब इन्होंने धीरे धीरे मंदिर में आना जाना शुरू किया, प्रभुपाद से कथा सुनी, कथा सुनते सुनते जब इनको पता चला ये जीवन दुर्लभ है, 84 लाख जीवन को बाद में मिलता, भगवान बारंबार नहीं देते, इसी जीवन में ही भक्ति करके हम प्रभु के पास में जा सकते हैं और किसी जीवन में नहीं, तृणा तृणा मतलब जितने जल्दी जल्दी हो प्रभु का भजन में लग जाओ, दुनियादारी काम तो चलते रहेगा हर जीवन में, जितने जल्दी बोलते ना कल कर सो आज करो, आज कर सो अब, बोले पल में प्रलय होएगी बबरी रहेगी कब, बोले भगवान की भक्ति जितने जल्दी से जल्दी करो। अभी प्रभुपाद की कथा सुनते सुनते ना उनने सोचा और मैं संसार में नहीं रहूंगा, सब छोड़ करके भजन करने के लिए आ जाऊंगा। लेकिन उसी समय हमारे जो विनोद ब्रह्मचारी और जो सब लोग थे बोले नहीं नहीं नहीं, जो वो बोल रहे हैं छोड़ कर मंदिर में आ जाओ, बोले नहीं 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 इतने में जब उन्होंने प्रभुपाद की कथा सुने बोले ये लोग ऐसे क्यों बोलते हैं, फिर उनको पता चला अरे ये सोच रहे हैं अंदर की बात, पता चला कि मैं चले आऊंगा तो 5 रुपया बंद हो जाएगी, मठ का खर्चा कैसे चले। इन्होंने बोले कोई चिंता मत कर, कोई चिंता मत कर, इनका 1000 गुना में विचार करके लाऊंगा। उन्हें सब कुछ छोड़ कर और आए और इन्होंने इसलिए फिर उन्होंने आ करके हम पहले बताए ना गौड़ीय मठ का जो समृद्धि, गौड़ीय मठ में जो भिक्षा इन्होंने तीनों गुने ट्रक ट्रक उन्होंने भिक्षा किया। अभी सुना रहा था मथुरा में गए तो उन्होंने ऐसे उन्होंने लेक्चर दिया 1 घंटा में, उन्होंने 1 महीना की खाना पीना रहने का व्यवस्था कर दी। इसी महापुरुष को द्वारा प्रभुपाद ने ये गौड़ीय मठ का समृद्ध बनाया, इसलिए आज उनकी जन्मतिथि है। हम सबके सभी चरण में प्रणाम करते हैं, वो सबको ऊपर में आशीर्वाद और कृपा करे, हम भी ऐसे गुरु वैष्णव की सेवा करते हुए और अपना जीवन को धन्यवाद मन बनाए। ठीक है, तो भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज की जय, तदीय आविर्भाव तिथि की नेता गौर ब्रह्मानंदे परिक्रमा परिक्रमा परिक्रमा।